Hello everyone, good afternoon to all of you. Welcome back to the video lecture class. Dear students, yesterday we have read the lesson number 5, the clothes we wear. Okay, got it everyone? Sabko kal samajh mein aaya tha, maine jahan tak aapko samjhaya tha. Yes, so आज अपन उसके आगे का पढ़ेंगे, जो मेरे रिमेनिंग पार्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा था ना वो पढ़ेंगे. ओके, गॉट इट एवरीवन? यस. इन योर ईवीएस बुक पेज, टेक आउट द पेज नंबर 20 एंड लेसन नंबर 5. यस, कॉस्ट्यूम्स. पीपल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, दे आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? कॉस्ट्यूम का क्या मतलब होता है? जहाँ जहाँ के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं. कैसे? जैसे पंजाब में जो लोग रहते हैं ना, तो वो पंजाबी ड्रेसेस अलग पहनते हैं. तो ये देखिए पंजाब वाले लोग कैसे पगड़ी बांधते हैं, आपने देखा होगा. यस, कश्मीरी जो लोग होते हैं, ये पीपल ऑफ फ्रॉम द कश्मीर हु वेयर द कश्मीरी ड्रेस. यस, नेक्स्ट इज गुजरात. जो गुजरात का कॉस्ट्यूम होता है वो कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है. वो फ्रॉक पैटर्न में होता होगा, आपने डांस में देखा होगा धोती और फ्रॉक टीवी में सबने. यस, वेस्ट बंगाल में ऐसा ड्रेस पहना जाता है. गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट इज द क्लॉथ्स डांसर एंड एक्टर्स वेयर आर आल्सो कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स. मतलब जो डांसर्स होते हैं ना, जो एक्टर्स होते हैं फिल्म में, वो जो कपड़े पहनते हैं उनको भी कॉस्ट्यूम ही बोला जाता है. देखिए कथक में कैसा ड्रेस यूज़ होता है, देखिए कथक में ऐसा ड्रेस यूज़ होता है, यानी उसको कॉस्ट्यूम ऐसा कॉस्ट्यूम यूज़ करते हैं. मणिपुरी में ऐसा कॉस्ट्यूम जो डांस होता है उसके में ऐसा कॉस्ट्यूम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्या है, भरतनाट्यम में ऐसा आपने सबने कभी देखा होगा टीवी में, अपने स्कूल के प्लेज में सब जगह देखा है ना सबने. वेरी गुड. और कथकली में ऐसा वाला सबने देखा होगा, ये वाला तो डिस्कवरी पे भी आता है. यस, द ग्रैंडमा सेज द कॉस्ट्यूम ऑफ डिफरेंट रीजन्स वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट देयर. इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग तरह के देशों के अलग अलग तरह के ड्रेसेस होते हैं उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. मटीरियल ऑफ क्लॉथ्स, वी गेट वूल फ्रॉम फर ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, रैबिट एंड याक. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि हमको जो मटीरियल मिलना होता है, जैसे आपको वूल के कपड़े जो पहनना रहते हैं ना, आपको वूल कहाँ से आएगा? यस, जो एनिमल्स के फर्स होते हैं ना, उनके ऊपर के जो रुआ होता है या बाल बोलते हैं जिसको, उसको निकाल के वूल बनता है. उस वूल से जैकेट और स्वेटर्स, मफलर्स, शॉल्स और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. देखिए किस किस एनिमल्स का फर निकालते हैं. शीप से क्या निकलता है? वूल से स्वेटर. यस, ऐसे ही वो आपको बता रहे हैं कि वी यूज़ वूल टू मेक स्वेटर, जैकेट्स, मफलर, शॉल्स एंड अदर थिंग्स. नेक्स्ट इज जैकेट्स, बेल्ट, शूज़. अब वो कैसे बनते हैं आपको खुद पता है. वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. मतलब जो जानवर मर जाते हैं ना, उनकी स्किन से हमको लेदर मिलता है. लेदर इज़ यूज टू मेक थिंग्स लाइक जैकेट, बेल्ट एंड शूज़. मतलब हमको लेदर की जो चीज़ें होती हैं वो डेड एनिमल्स की स्किन से मिलता है. कॉटन प्लांट्स, थ्रेड एंड शर्ट. मतलब एक तरह का प्लांट आपने देखा होगा, कॉटन प्लांट, या तो टीवी में या आपके आपने लाइव भी देखा हो सकता है. कॉटन प्लांट होता है, उसमें से कॉटन निकलता है, उससे थ्रेड बनता है. थ्रेड से जो भी आपके कपड़े होते हैं, शर्ट, स्कर्ट, फ्रॉक वगैरह, आपकी सब बनती है. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. वी यूज़ कॉटन टू मेक क्लॉथ्स लाइक फ्रॉक, पैंट, शर्ट एक्सेट्रा. ओके, दिस इज़ योर लेसन नंबर 5. The clothes we wear is completed and I will give you the written part in on your WhatsApp group. Okay, thank you.